फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूम्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ट्री है और आज हम इसे डेकोरेट करने वाले हैं। ऑलरेडी आप अगर इधर से देखेंगे तो यह हाफ ऑफ द ट्रे ऑलरेडी दो प्लांट से डेकोरेटेड है। देखिए, इसमें है ना, बहुत पुरानी है ये ट्रे, तो इसमें ऑलरेडी मैंने दो प्लांट्स लगाए हुए थे, एक जीजी प्लांट और एक पाम ट्री। तो ये टेबल टॉप पाम है और ये जीजी प्लांट। अब क्या हुआ, मेरे पास एक और जीजी प्लांट है और उसे भी मैं इसी में ऐड करना चाह रही हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, बेनिफिट ये होता है कि इसमें है ना, बहुत इजीली मैं देखिए नई रूटिंग हो रही है। तो ये जो मेरे पास सॉइल है, ये सॉइल मिक्स मैंने तीन चीज़ों से मिलकर, फर्स्ट है गार्डन सॉइल, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, और फ्रेंड्स थर्ड यहाँ पर मैंने इसके लिए जो नॉर्मल वो आता है खाद जिसे हम बोलते हैं, ये मेरे पास जीजी प्लांट की एक और कटिंग है। यहाँ पर मैं इसे अच्छी खासी ग्रो हो गई है, तो यहाँ पर मैं इसे आपको ऐड करते हुए दिखा रही हूँ कि जब हम इस तरह का सॉइल मिक्स लेते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। और क्योंकि जीजी प्लांट और जो हमारा पाम है टेबल टॉप, ये दोनों प्लांट ही फ्रेंड्स ऐसे हैं जिसे पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है। इसे हम समर में वीकली और विंटर में 15 डेज में पानी दें, और इनका जब भी हम पानी दें तो हमें कोशिश करना है कि हम जो स्प्रे है ज़्यादातर स्प्रे करें और इसे इतना ज़्यादा पानी ना दें कि इसकी सॉइल कभी ड्राई ना हो। हमें मतलब इसका पानी नीचे तक नहीं निकलना चाहिए, इसे हमें नॉर्मल पानी देना है कि इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहे। इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है और इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पे रूटिंग हुई है। तो ये न्यू बर्ड्स है ना, अपने आप निकल के आने लगी है, क्योंकि जो सॉइल मिक्स है और जो पानी की क्वांटिटी है वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा सा है ना डेकोरेट करने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल इसे मैं लुक देने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए, दोनों जीजी प्लांट है, तो मैं दोनों जीजी प्लांट को और इसके बीच में है ना यहाँ पर इस तरह से, ये मेरे पास एक मिनिएचर है, उसे यहाँ पे रख दूंगी और फिर इसे मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा इसका रास्ता बनाते हुए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कवर नहीं हुआ है ये, तो इसकी रूट्स को आप ध्यान रखिए, रूट्स को आपको अच्छे से कवर करना है, रूट्स आपके दिखने नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या है हमारा प्लांट जो है स्ट्रेस में जा सकता है। अब इस तरह से अगर मैंने इसे कर दिया है तो मैं यहाँ पर इसके लिए सिंपल यहाँ पे ग्रीन कलर से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ, और फिर इसे मैं ज़्यादा छेड़खानी ना करते हुए इस प्लांट के साथ मैं इसे सिंपल कलरफुल मल्टीपल स्टोन से यहाँ पर डेकोरेट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे रास्ता दे दिया और आप ये देख सकते हैं, ये नॉर्मली स्टोन जो है आपको 50 रुपीज़ से लेके 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिल जाते हैं, डिपेंड अपॉन द लोकेलिटी। तो मैंने ये नॉर्मल लोकल नर्सरी स्टोर से लिए हैं। इस तरह से प्लांट्स को मैंने बहुत सिंपल तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं डेकोरेट कर दिया है। तो ये मेरा बहुत ही सिंपल सा मिनिएचर गार्डन, आप बिना किसी मेहनत के, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स ऑफ योर्स, इस तरह से आप इसे कर दीजिए। देखिए, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये निखर के आ रहा है, मेरा जीजी प्लांट और टेबल टॉप। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इस तरह का डेकोरेशन जो है वो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, टिल देन टेक केयर, बाय।